फ्रेंड्स कैसे हैं आप। और आज हम बात करेंगे रूट टॉपिक के बारे में, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे बहुत सारे नीट के क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन हम इसमें एनसीईआरटी की सारी लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्लास है 11th के स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए और 2024 और 2025 के लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है। इसीलिए वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए, उस टॉपिक की हर एनसीईआरटी लाइन को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूं अभिनव और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में जानना होगा, कि क्योंकि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे हैं। तो रूट, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, स्टीम, स्टेम, फ्लावर और फ्रूट। तो दोस्तों, इन्फ्लोरेसेंस जो कि फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है कि उसके जो टाइप्स होते हैं, रेसिमोस, साइमोस, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने कर रखा है 5-6 मिनट का, तो वो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन की लिंक से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रूट के बारे में, जो कि जड़ होता है। और कहा भी जाता है कि अगर आपके रूट स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको इस रूट को भी बहुत स्ट्रांग कर लेना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो प्राइमरी रूट है, यानी कि जो शुरू की रूट है, वो किससे ग्रो करती है? रेडिकल से ग्रो करती है। तो दोस्तों, प्लूमूल और रेडिकल, जो प्लूमूल होता है उससे स्टेम बनती है और जो रेडिकल होता है उससे रूट की ग्रोथ होती है, रूट का जन्म होता है। तो दोस्तों, प्राइमरी रूट के बाद कौन सी रूट आती है? सेकेंडरी रूट। यहाँ पर आपको मैंने दिखाने के लिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आई प्राइमरी रूट, उसके बाद आती है सेकेंडरी रूट, फिर उसके बाद सेकेंडरी रूट के पास कौन सी रूट आती है? टर्सरी रूट। तो दोस्तों, प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। यानी कि ये कौन सा आपको सिस्टम दिखाया गया है? टैप रूट सिस्टम या फिर TRS आपको यहीं दिखाया गया है। और ये डाइकॉट्स में पाया जाता है, यानी कि जिन प्लांट्स के सीड में 2 कॉटिलेडंस होते हैं उनमें ये पाया जाता है, उनको हम डाइकॉट्स या फिर डाइकॉटिलेडंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड, डाइकॉट प्लांट्स के एग्जांपल देख लीजिए, सनफ्लावर हो गया हमारा, और टोमेटो, कैरेट, ये जो प्लांट हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, मैंगो क्या है? मैं अगर आपसे पूछूं मैंगो क्या है, डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो आपको उसको कमेंट में बताना है कि मोनोकॉट है या डाइकॉट है, या फिर कुछ तीसरी कैटेगरी भी होती है। आगे बढ़ते हैं, फाइबरस रूट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, फाइबरस रूट जो हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर डाइकॉट्स के बारे में बताया कि जो प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस जो टैप रूट सिस्टम बनाती हैं वो डाइकॉट्स में पाया जाता है, तो ये वो तो डाइकॉट्स की बात हो गई। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि मोनोकॉट्स होते हैं, यानी कि उनमें एक सिंगल कॉटिलेडन होता है। तो उनमें जो प्राइमरी रूट सिस्टम है तो वो क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी रूट्स आ जाते हैं। यानी कि जो सेकेंडरी रूट है वो इसमें मेजर रोल प्ले कर रही है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो टैप रूट है वो क्या है? लॉन्ग लिव्ड करती है, लेकिन जो फाइबरस रूट में जो टैप रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है। इसी के ऊपर एसर्शन रीज़न भी आपको बना के दे सकते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइंस जो हम आपको उठाकर दे रहे हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो अगली लाइन को देखिए, इसको हम फाइबरस रूट सिस्टम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोनोकॉट्स हैं, जो ग्रासेस हैं, उनमें कौन सा रूट सिस्टम पाया जाता है? फाइबरस रूट सिस्टम पाया जाता है, ये हमने आपको बता दिया। तो आप देखिए, फाइबरस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? एस सीन इन वीट। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री रूट जो हैं वो रेडिकल को छोड़कर कहीं और से निकलती हैं, तो ऐसे रूट्स को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एडवेंटिशियस को आप ऐसे भी याद सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो एडवेंचर करने निकलती हैं, जैसे कि प्रॉप रूट जो कि बनियान ट्री में पाई जाती है, हमारे जो बरगद का पेड़ होता है उसमें पाई जाती है। और जो मॉन्स्टेरा आपको दिया गया है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम है, ये आपको याद रखना है कि बनियान के साथ क्या होता है। तो यही आपको अगर ऐसे दे दिया कि ये बीच में खाली स्पेस छोड़ दिया और एक ऑप्शन में मॉन्स्टेरा दिया, तो आपको मॉन्स्टेरा को ही टिक करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो फाइबरस रूट सिस्टम है वो किन किन में है।
मैंने आपको बता दिया मोनोकॉट्स में। तो मोनोकॉट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका कॉर्न हो गया, भुट्टा हो गया, इस सीज़न में वो बहुत चल भी रहा है, ग्रास, कोकोनट हो गया, ऑर्चिड हो गया, बनाना हो गया, आयरिस हो गया, ओनियन, डेफोडिल, वीट और अगेव। तो दोस्तों कोकोनट नट के फ्रूट को क्या कहते हैं, ये आपको बोलने कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं फ्रूट्स के, बेरीज होती है, ड्रूप्स होते हैं, वैसे ही कोकोनट के फ्रूट को क्या क्या कहते हैं वो आपको पता लगाना है और कमेंट में लिखना है। तो ये आपको इसके बारे में रिसर्च करनी है और आपको क्यूरियोसिटी मेंटेन करते रहनी है, तभी आपका हो पाएगा। तो आप देखिए ग्रास में, वीट में, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, डेफोडिल में, ओनियन में, अगेव में, ये मोनोकॉट्स में फाइबरस रूट्स पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं रीजन्स ऑफ रूटिंग। तो हम थोड़ा एनाटॉमी में पहुँच गए कि जो रूट है उसको उसके एपेक्स पर कवर कर लिया जाता है एक कैप से, यानी कि जो रूट है उसकी पेंसिल की तरह, मतलब वो खुली नहीं होती, उसकी पेन की तरह एक कैप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल रूट कैप कहते हैं। कुछ फ्यू मिलीमीटर अबव, क्योंकि जो रूट होती है वो बहुत बड़ी तो होती नहीं है, छोटी सी होती है, तो कुछ मिलीमीटर ऊपर क्या आता है, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी। तो दोस्तों मेरिस्टम क्या होता है, आपने अगर पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में भी, टेंथ में बताया जाता है कि जो मेरिस्टम है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं, तो ये रिपीटेडली डिवाइड करते हैं कौन से सेल, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्या होता है, इन रीजन के बाद सेल्स जो हैं वो इलोंगेट करते हैं, यानी कि उनकी लेंथ बढ़ती है, तो उस रीजन को कहते हैं हम रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे ऊपर क्या आता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो मैचुरेशन में जैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी हेयर्स आते हैं, वैसे ही रूट्स में भी हेयर्स आते हैं, ऐसे आपको रिलेट करके समझना है। तो देखिए कि टीनी आउटग्रोथ्स होते हैं, इसलिए उनको रूट हेयर्स भी कहते हैं। तो ये है, तो मैं आपको फिर से बता दूँ, सबसे नीचे क्या होता है, रूट कैप होता है, उसके ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है जहाँ पर सेल्स डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है जिससे प्लांट की लेंथ बढ़ती है, उसके ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है जहाँ से वो मैच्योर बन जाता है प्लांट और वो उसमें हेयर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख भी लीजिए, ऊपर है रूट हेयर, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी, फिर रात में सब काम बंद, रूट कैप। तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ कि रीजन ऑफ मैचुरेशन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है रूट हेयर में। अब फ्रेंड्स आज का आखिरी टॉपिक हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स हैं वो कैसे मॉडिफाई होती हैं। तो दोस्तों आपने बनियान में कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर देखे होंगे जिनको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जो हमारा मेज होता है, कॉर्न होता है, मक्का होता है, उसमें सपोर्टिंग रूट्स होते हैं, उनको हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं, और राइजोफोरा। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है कि उसमें जो रूट्स है वो नीचे से आ जाती हैं, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि वो स्कैर्स एरिया होता है, मार्सी एरिया होता है, इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए रूट्स उगाती हैं। तो इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं और ये राइजोफोरा में पाए जाते हैं। तो ये है कुछ रूट्स के मॉडिफिकेशन। तो दोस्तों यह है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कि रूट की ग्रोथ के लिए कौन सा ये जिम्मेदार होता है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में थम्सअप दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर भी दीजिएगा। अगर ये मिनट्स आपको वर्दी लगे तो फिर लाइक जरूर कीजिएगा। कीप लर्निंग विथ अभिनव, थैंक यू।